यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री मोदी 5 साल बाद रूस के दौरे पर है। सोमवार को दोनों ने पुतिन के घर पर प्राइवेट डिनर किया। इससे पहले पुतिन ने मोदी के साथ हॉर्स शो भी देखा। मोदी ने पुतिन के साथ अस्तंबल का दौरा भी किया। दोनों नेताओं की मुलाकात पर अब यूक्रेन के राष्ट्रपति ने नाराजगी जताई है। उन्होंने मोदी के दौरे को यूक्रेन में शांति की कोशिशों को बड़ा झटका बताया। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल यूक्रेन का दावा है कि सोमवार को रूस ने कीव में बच्चों के अस्पताल पर हमला किया, जिसमें 41 लोग मारे गए। ये सब उस वक्त हुआ जब मोदी रूस दौरे पर रवाना हो चुके थे। दूसरी तरफ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि मोदी ने रूसी सेना में जबरन भर्ती किए गए भारतीयों का मुद्दा पुतिन के सामने उठाया है। पुतिन ने आश्वासन दिया है कि सभी भारतीयों को डिस्चार्ज किया जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक यूक्रेन जंग के बीच लगभग 40 भारतीय रूसी सेना में तैनात है। पिछले महीने 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। अपने रूस दौरे के दौरान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के लोगों के और रूस में बसने वाले भारतीय लोगों से भी मिले, जहां भारतीयों ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। ताक देना। आपका ये प्रेम, आपका ये स्नेह आपने यहां आने के लिए समय निकाला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। मैं अकेला नहीं आया हूं, मैं मेरे साथ बहुत कुछ लेकर के आया हूं। मैं अपने साथ हिंदुस्तान की मिट्टी की महक लेकर के आया हूं।